Hi, this is Faisal Qureshi, and you're watching Something Hot. Assalamu alaikum, my name is Hasan Chaudhry. You're tuned into Something Hot. This is How to Hot. He's not just your fa uh, favorite actor, he's one of my favorite actors as well. सबसे उनसे मुलाकात करने की खास बात यह होती है कि दिल खोल के मैं उनसे सवाल पूछता हूँ नो no होल्स जो मेरे दिल में आता है मैं उनसे पूछता हूँ और उससे भी अच्छी बात यह होती है कि हमेशा वो मेरे सारे सवालों के जवाब देते हैं और मुझे कभी भी नहीं कहते कि नहीं ये तुम क्यों कह रहे हो और ये तुम क्यों कह रहे हो क्योंकि वो मुझे सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देते मुझे बहुत अच्छी तरह से चीज़ें समझाते भी हैं हम छह महीने पहले मिले थे तब एक ड्रामा चल रहा था वो भी बहुत मैसिवली पॉपुलर था उससे भी मुझे काफी सारे इख्त थे जिनको उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया आज हम एक और ड्रामे की बात करने आए हैं इकट्ठे हुए हैं जो कि अगेन मैसिवली पॉपुलर है उससे मुझे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस या इख्तलाफ नहीं है लेकिन कुछ क्यूरोसिटी है जो मैं कोशिश करूंगा कि आज हम उनसे पता कर सके और उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त मैं खुशबुओं में नहाया हुआ हूं <laughs> उसकी क्या वजह है और इसके पीछे क्या राज है उसके ऊपर भी बात करेंगे इन द लेटर हाफ इंटरव्यू ऑफ द इंटरव्यू मेरे साथ इससे मौजूद है अस्सलाम वालेकुम फैसल फाइन लास्ट टाइम वी मेट मुकद्दर वाज ऑन एयर एंड माशाल्लाह इट वाज वेरी पॉपुलर एंड वी अ लॉन्ग डिस्कशन के ये और वो और वो और सारा कुछ अभी फितूर इज ऑन एयर आपको मुबारक हो अगेन वेरी पॉपुलर यू ट्रेंडिंग ऑन अल्लाह का शुक्र है है क्या ये, क्या ये जादू है? मैंने जादू मैंने पर... यार हमारा कोई जादू नहीं होता एक्टर देखें सिर्फ परफॉर्म कर सकता है लेकिन उसके पीछे जो पूरी टीम होती है मैं हमेशा ये बात कहता हूँ अच्छा सीरियल अच्छी फिल्म कोई भी अच्छी चीज प्रोड्यूसर बनाता है फिर उसमें वो जब टीम बनाता है जिसमें राइटर है डायरेक्टर है कास्ट है आपकी पूरी जो म्यूज़िक है सारी चीज़ें स्पेशली फतूर का जो म्यूज़िक है उसने बड़ा सपोर्ट किया जो हमारा ओ है हमारे सीरियल को और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत पसंद भी किया सीरियल कुछ 19-20 आती हैं चीज़ें लेकिन वो समझ आ रहा होता है कि कहाँ से आ रही हैं कौन बात कर रहा है बट मैं एक चीज़ ये बताऊँगा ज़रूर मुझे जो प्रोमो के बाद

आई थिंक द ब्यूटी ऑफ फितूर इज दैट एपिसोड में जो भी हो हम जब फ्रीज होता है ना एपिसोड लास्ट शॉट यू लाइक ओके यार अब क्या होगा अगली किस्त में एंड वी बीन डिलेइंग दिस इंटरव्यू आल्सो बिकॉज़ मैंने कहा कि अच्छा थोड़ा सा तो पता चले कि हैदर कैसे रिएक्ट करेगा बम mm. फटेगा बम फटेगा उसी क्यूरियोसिटी में कि हैदर को पता चलेगा हैदर को नहीं पता चलेगा हैदर को पता चलेगा तो क्या होगा सही बात है मैं भी जब पढ़ रहा था तो ये जो तुम्हारी हालत है यही हालत मेरी थी और मैंने पूरा स्क्रिप्ट दो दिन में खत्म किया था इसी वजह से बिकॉज मैं बस एक एक टाइम के बाद ना मैं यूं हो गया था कि यार ये क्या हो रहा है सो जंजबी नोस के किस तरह से लोगों की नब्स पकड़नी है और ऊपर से जिस तरह सिराज ने भी काम किया है वो भी आ, मानने वाली बात है कि वो बड़ा हैं ये लोग सेंटिमेंट से लोगों के कैरेक्टराइजेशन की तरफ तो हम बाद में जाते हैं बट ओवरऑल जो एक स्क्रीन प्ले लेके चली हैं जंजबील जो हमारी राइटर हैं या जो मैरी है मैरुनिसा इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आ, इसको ग्रिप करवाया है प्ले को और मुझे आ, मैं अगर झूठ नहीं बोलता तो 99, 98 नाइन परसेंट बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हैं फतूर के मुझे ये बताएं कि जब आपने हैदर पढ़ा था वॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस कंफ्यूज है कॉन्फिडेंट uh, नहीं है बिकॉज हुआ इसके साथ जो मैमल ने इसके साथ कर दिया था किसी भी इंसान के साथ चाहे वो मर्द हो या औरत जब इस तरह से उसको डम किया जाता है उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है ज़िंदगी में ख़ास तौर से रिलेशन में तो वो ज़ीरो हो जाता है जो कि सबसे इम्पॉटेंट बात थी इसी वजह से उसने एक बहुत लंबा अरसा अकेले गुजारा और जब आप एक बहुत लंबा अरसा अकेले गुजारते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है वापस किसी रिलेशन में आने में और आप हर रिलेशन में आने के बाद एवरीडे एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत ऐसे हमारे इर्द गिर्द की आ, असल मिसालें हैं जो लोग बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं वो जब किसी की प्रेजेंस उनकी लाइफ में आती है तो उनको बड़ा टाइम लगता है अपना रूम शेयर करना अपनी स्पेस शेयर करना फिर एक जो स... मैं वापस वहीं आता हूँ जब मेमल ने जो कुछ हैदर के साथ किया था वो उसने उसके कॉन्फिडेंस को शटेड कर दिया था आप, आप बिल्कुल अंदर से शे... आप बेशक सामने जितने बड़े मर्जी आप इंसान हो लेकिन अंदर से ना आप हिल जाते हैं हैदर वॉज लाइक दिस कि वो जो मुझे थ्रू आउट नजर आता रहा कि वो लर्न कर रहा है वो दिल नशीन के साथ रहते हुए बहुत सारी चीजें लर्न करता जा रहा है लेकिन सच्चा आदमी है सच्चा आदमी है सच्चा आदमी है देखे ना लोग ये कहते हैं कि भाई वो मैमल को घर से निकालता क्यों नहीं है लोग ये भूल जाते हैं कि उस लड़की का ना कोई बाप है ना कोई माँ है और वो अपने बाप का वादा निभा रहा है उसके बाप ने इससे वादा लिया हुआ वा है कि तुम मेरे भाई के बच्चों का ख्याल करोगे सो वादा निभा रहा है आ, और ये तो वैसे भी कोई बहुत ही बुरा इंसान हो कि जिसकी कजन हो फर्स्ट कजन उसको वो रोड पे भेंक दे हाँ एक बड़ी स्ट्रेंज सिचुएशन है वो जा... राइटर ने क्रिएट ऐसी की हुई हाँ। कि उस पर आप ब्लेम नहीं कर सकते हाँ लेकिन लोग इस बात पे शिकायत करते हैं नाराज भी होते हैं कि वो निकाल क्यों नहीं देता है यहाँ तक के ऑब्वियसली uh, मेरी बीवी है वो जब ड्रामा देख रही है वो भी ये कहती है कि यार इसको तो निकाल देना चाहिए मैंने कहा निकाल तो देंगे जाए, जाएगी कहाँ वो सो दिस इज द क्वेश्चन और उसकी वालदा ने निकाला भी निकाला भी है लेकिन वो ख्याल कर रहा है साथ साथ वो अपना फर्ज पूरा कर रहा है वो अपना वादा पूरा कर लेकिन हमने एक रिव्यू में बात की थी कि ही इज हैदर उसके लिए कोई मसला नहीं है कि अगर वो उसको एक अपार्टमेंट भी लेके दे दे अलग उसको अपार्टमेंट क्या बंगला घर लेके दे दे इट्स नो बिग डील फॉर हिम उस लाइंस पे वो क्यों नहीं सोचता व्हाई डज हैव टू स्टे द हाउस जैसे होटल में उसने रखा एक कमरा लेके उसमें भी मिसेज हैदर के नाम से जो कि समझ में आ सकता है कि ऑब्बियसली एक औरत के साथ वो होटल में है तो वो वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहता जहां वो आ भी रहे, जा भी रहे रहे जा सो इट इज थिंग्स हैदर जो ये करता है कि बंदे को होता है कि यार नहीं ये बंदा मतलब क्या है, चाहता क्या है ये वो असल में कहता है कि ये महमल का भी घर है वो कहता है ये बात और वो नहीं मह... लेकिन क्यों है में में सा, तो? सा, क्योंकि वो कहता है उसका मैका है ये तो उसने कहा है और वो समझाता भी रहता है वो चाहता है कि वो वापस जाए अपने मियाँ के पास अब लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि चूंकि जो महमल का कैरेक्टर है आ, उस बिचारी के साथ उसने जिन चीजों की वजह से वो गई थी उस आदमी के पास शी रियलाइज लेटर कि यार ये मुझसे गलती हो गई है एंड देर इज़ वन और आपके साथ ये होता है जब आप न किसी चीज़ की कदर करते नहीं हैं जब वो चीज़ आपसे दूर होती है ना फिर आप रिएक्ट करते हैं कि यार ये मुझसे क्या गलती हो गई है तो हीरा मेरे सामने मौजूद था और मैंने वो मेरे पास था वो और मैंने वो खो दिया सो वो अब रियलाइज उसने बहुत बाद में किया तो वो बेचारी भी फंस गई है दिल नशीन का मसला ये चल रहा है वो बहुत कंफ्यूज हो गई है उसकी माँ ने उसकी भाभी ने उसको बहुत कंफ्यूज कर दिया है और मुझे कभी कभी बड़ा अफसोस होता है दिल नशीन के ऊपर जब मैं कर भी रहा था मैं यही कहता था लोग कहते हैं कि वो सच क्यों नहीं बताती है वो बता क्यों नहीं देती है लेकिन उसके दिल में एक मेरी माँ ने और एक उसकी माँ ने जो एक टिपिकल सोच होती है ना उन्होंने डर बिठाया हुआ कि तुम्हारा घर ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा घर ख़त्म हो जाएगा और उसको पता है कि वो वापस जाएगी उसका भाई उसकी माँ जो उसका हशर करेंगे जो पहले एपिसोड्स में हुआ है तो वो ही होगा अच्छा ये अब इसमें दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे हैं पूछने के लिए बट पहला सवाल जो कि एक क्रिटिसिज्म आता है वो मेनली यही आता है कि यार के हैदर बड़ा हिपोक्रेट है क्योंकि एक तरफ तो वो ये कहता है कि आ, दिलनशीन को कि महमल है मेरी जिंदगी में बट यू नीड नॉट वरी अबाउट हर

सो so, ये जो कंफ्यूजन है हैदर की इसके बाद ये डेलिब्रेट है या ये राइटिंग में फ़्लॉ है या ये क्या है नहीं नहीं फ्लॉ नहीं है देखो मैंने अभी कहा था कि वो साथ साथ लर्न कर रहा है वो भी चीज़ों को उसने लास्ट एपिसोड में आ, उसने दिलनशीन को भी कहा कि मुझे बता दो क्या सच है वो दफन हो जाएगा मेरे अंदर इसके बाद इस बारे में बात भी नहीं होगी इसने ये दिलनशीन को भी कह दिया नहीं लेकिन ऑडियंस के दिमाग में ये क्यों फिर डाला गया बीज के यार के वो उसकी माँ ने भी बोला कि अगर वो बिल्डिंग का डिजाइन कोई कॉपी कर को कर ले तो फिर तो उसको तो वो बिल्डिंग नहीं पसंद आती यार हसन ये तो एक, एक, एक जनरल सोच है हमारे मुल्क में ना कि आपको गर्लफ्रेंड ऐसी चाहिए होती है जो कि बहुत हिप हो लेकिन जब आप बीवी की तरफ आते हैं तो आप कहते हैं बीवी बिल्कुल घर वाली चाहिए एक वो आम कैरेक्टर है वो एक छोटी जगह से आया है वो लड़का वो उसके प्रोजेक्ट हिट हो गए उसकी चीज़ें हिट हो गई जो हमारे फ्लैश थे उनमें हमने ये बताया था कि उसको उसको अपना क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट्स कौन, कौन, मिल रहे हैं और उस वो डेवलप हो रहा है वो हमने ये उसमें दिखाया था हमने ये नहीं दिखाया था कि वो जीरो से स्टार्ट हुआ है उसने एक जगह बोला भी है कि भाई मतलब मैं इस जगह पे हूँ कि अगर मेरे को एक दो प्रोजेक्ट भी हिट हो गए और बिल्डर्स का होता ही यही है कि उनके एक दो प्रोजेक्ट होते हैं सिर्फ जिसके बाद ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं तो वो एक एक कन्फ्यूजन उस चूँकि वो एक हर इंसान का एक होता है ना बचपने से एक लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं आप आपको पता है कि इस लड़की की लाइफ में कोई और है नहीं तो माइंड सेट वही बन गया आपने कहीं माँ को कह दिया माँ आप उस बात को दोहराती रहती है फिर आपकी एक आदत डेवलप हो जाती है उसी चीज़ को कि घर वाले जो हैं वो बोल बोल के भी आपकी बहुत सारी आदतें डेवलप कर देते हैं जो कि होती नहीं है आपके अंदर अब वो भी रिवाइव कर रहा है साथ साथ हैदर भी रिवाइव कर रहा है वो ये उसने महमल को भी कहा है कि मैं नहीं अपनी बीवी को चीट करूँगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा वो बीवी को भी कह रहा है कि अपना बता दो कुछ है मैं ख़त्म कर दूँगा सब कुछ दफन कर दूँगा सो so, वो भी लर्न कर रहा है साथ साथ लेकिन यह है कि वो बीवी को चीट नहीं कर रहा है जिसे हम कहते हैं जो हमारे... मैं इस बात पे आपके साथ हूँ उसने बीवी को चीट नहीं किया नहीं किया आई आई एग्री विद यू ये मैं बोला भी क्योंकि मुझे ये लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ये कन्फ्यूज है मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्ट है ये character. हो गया है। emotions इतने मतलब intertwined है में और फिर महमल को जिम्मेदारी अपने साथ चल रहा है। of course, उसके दिल में कुछ इमोशंस हो बट जब उसको अब दिल नशीन की तरफ से झटका लगा है तो उसने मह, आ, महमल को भी झटक दिया है नॉट इज गॉन बैक टू के नहीं, नहीं हाँ ठीक है जब उसकी इज्जत पे बात आ रही है बीवी की तो वो कुरान वाली कुरान पाक वाला जो सीन था उसमें वो रोकता है बीवी को कि नहीं कसम मत खाओ मुझे ज़रूरत नहीं है मैंने नहीं सुनना और वो आके फिर कहती कहते वो ज़ाहिर सी बात है अगर तुम्हारी इज्जत पे बात आएगी तो मेरी इज्जत पे बात आएगी तो मेरी इज्जत हो सो वो सबको उसने अलग अलग जगह पे सबको उसने रखा हुआ है माँ की अपनी इज्जत है बहन की है महमल की है बीवी की अलग इज्जत करता है लोगों के सामने वो नहीं आ, शो करता या ऑफिस में उसका कोई ऐसा सीन नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है तो वो उसने हर जगह लोगों को सेट किया हुआ है कि अच्छा ये बस इस तरह से होता है ये है हैदर का एक मसला लास्ट एपिसोड में दो बड़े क्रूशल मोमेंट्स थे एक मोमेंट तो ये जब उसने कसम कुरान पाक पे कसम खाने से रोक दिया मैं, 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 मजाक कर रहा था सेट के ऊपर मैं कह रहा था मैंने कहा जो गलती मैंने मेरी जाप जरा बे निशान में की थी उसकी तसीह की है आ, हमने फतूर में उसमें था ना वो कसम नहीं खाती हम मैं मना ही नहीं करता उसको रोकता ही नहीं है जबकि वो रोक सकता था इमरान अब्बास का डायलॉग था कि वो कहता है कि जब बेटा है मेरा कि आप रोक सकते थे उनको लेकिन आपने रोका नहीं तो इसमें रोक लिया तो मैं वो हसरा था इस बात पर मैंने कहा यार उस ड्रामे की ड्रामे में हुई है बट हैदर हैज नाउ रोका है है थोड़ा सा लेकिन वो बार बार दिलनशीन को एक ही बात कह रहा है कि तुम सच बता दो तुम सच बता दो अगर दिलनशीन उस मोमेंट पे सच बता देती हैदर को बाकी में दफन नहीं कर नहीं दे अपसेट होता है कोई भी इंसान हो थोड़ा सा अपसेट होता है यार इतने अरसे तुमने मुझसे छुपाया एक अच्छे रिलेशन के लिए आपको क्या चीज़ की जरूरत होती है क्या आप क्लियर होंगे हाँ यार मतलब हैदर क्लियर है दिलनशीन के सामने कि हाँ शी वॉज माई गर्लफ्रेंड ठीक है थी लेकिन मेरी तरफ से था उसकी तरफ से था ही नहीं अब वो जंप इन कर गई है ठीक है सो so, मेरी जिंदगी में तो कोई और औरत नहीं है अगर ऐसा कुछ होता है थोड़े से आप अपसेट होते हैं एक हाथ दो एपिसोड आप अपसेट होते फिर फिर उसके बाद वो वो नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। लेकिन लेकिन ड्रामा कहां से आता वो सही है लेकिन मैं सिर्फ हैदर की पर्सनैलिटी को समझने के परस्पेक्टिव से कह रहा हूं हैदर उस तरह का इंसान नहीं मालूम होता कि अगर उसको दिल नशीन सच बता भी दे ये सच के यार आई लाइक समबडी समबडी लाइक मी और हमारी शादी नहीं हुई नॉट दैट कि देट उस पर भी आता हूँ तो नहीं हुई सो दिस इज इट कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं बिकॉज दिस इज समथिंग इन हर पास्ट उस वक्त हैदर था भी नहीं तो मेरा नहीं ख्याल उसके लिए हैदर जज करके दिल नशी को घर से निकालेगा नहीं। ऐसा इंसान हैदर नहीं मुझे है। तो नहीं लगता। मुझे, नहीं लगता मुझे भी नहीं लगता मुझे भी नहीं लगता और अब जो आगे एक तमाशा होने वाला है उसके बाद तो आप कहेंगे ये कौन आदमी है यार अच्छा अच्छा उसमें भी आते हैं लेकिन आप मुझे बताए जो मेन इसकी चीज है अफेयर ड्रामा वॉज कॉल्ड अफेयर ऑल्सो पहले एंड ऑब्वियसली गुड कॉल जिस किसी की कॉल थी उन्होंने नाम चेंज किया hmm. और फितूर किया अब योर कैरेक्टर बट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आई वुर ओपिनियन ऑन दिस ऑल्सो ये जो पूरी एक कॉन्फ्लिक इस चीज के इर्द के गिर्द क्रिएट होगी दिल नशीन का कोई अफेयर था hmm. और पता नहीं क्या ही कोई अफेयर था बेसिकली शी लाइक अ गायक शादी करने की उन्होंने कोशिश की नहीं हुई खत्म होगी बट इस चीज को इस तरह से आपको नहीं लगता कि पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सा कोई ऐसा कुछ बम फटा है सीक्रेट है या पता नहीं कौन सा कोई अफेयर चल रहा था कि जिसकी क्या इम्प्लीकेशन हो सकती है व्हाट्स योर टेक ऑन दैट देखिए यार हम हमारे माशरे में ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनको छोटी सी बात होती है लेकिन उसको बहुत बड़ा कर दिया जाता है लोग सच नहीं बोलते हैं और जब सच आपके सामने बाद में आता है तो वो तकलीफ देता है सो so, जिंदगी में आप किसी भी रिलेशन में जब हम ड्रामे के थ्रू क्या बताने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में आप जब भी किसी रिलेशन में जाते हैं तो आपके दोनों दोनों पार्ट्स क्लियर होने चाहिए क्योंकि आप एक नए सफर पर जा रहे हैं ना तो आप अगर कहीं गाड़ी भी लेके जा रहे होते हैं तो आप उसके टायर भी चेक करते हैं इंजन भी चेक करते हैं हर चीज़ चेक करते हैं और आप कहते हैं हाँ हर चीज़ क्लियर है अब चलते हैं अगर आप कोई चीज़ छुपा लेते हैं आप आप कोई चीज़ उसको दबा लेते हैं कब तक सच छुप सकता है किसी भी रिलेशन में तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है कि वो चीज़ हैदर के अंदर है कि हाँ ईमानदारी मौजूद है लेकिन दिल नशीन को चूँकि हमने थोड़ा सा इनमिच्योर रखा है वो इतनी थोड़ा से काफ़ी काफ़ी वो इतनी मच्योर है नहीं वहीं पे जो वहाज वाला कैरेक्टर है वो एक हाइपर आदमी है ठीक है ना वो बहुत हाइपर है और वो उसने जो कुछ पिछले एपिसोड्स में किया है वो उस चीज़ से भी थोड़ा सा डरती है फिर जो उसका भाई है दिल नशीन का वो नहीं सुनता उसकी वो हर चीज़ का इल्ज़ाम उसी को ठहराता है उसकी जो माँ है सो दीज आर द थिंग्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप अपने बच्चों से दोस्ती नहीं करते हैं जब आप अपने बच्चों की साइड नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों की ज़िंदियाँ इसी तरह से डिस्टर्ब होती हैं सो so ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी ज़िंदगी में कि आप अपने अगर खुदा न खासा आपके बच्चे से कोई भी गलती हो सकती है यार कोई इंसान है कोई फ़रिश्ता तो नहीं पैदा किया है आपने तो कोई भी गलती किसी भी इंसान से हो सकती है आप उसको दरगुजर करते हो और ये तो गलती है भी नहीं ठीक है ना आपको कोई पसंद था आप शादी करना चाह रहे थे उस क्योंकि वो बड़ी फैमिली थी उन्होंने अपना कहा कि नहीं भाई हम अपनी क्लास में शादी करेंगे हम ये नहीं करेंगे तो वो उस वहाज की जो माँ का कैरेक्टर है वो उसकी एक सोच थी तो उन्होंने सारी गड़बड़ कर दी सो so, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कोई एक जिंदगी में कहीं एक ऐसा स्क्रू होता है जो पूरे इंजन को हिला देता है so, सो ये कुछ ऐसा चला है सिस्टम सो so, बेसिकली फितूर इज ट्राइंग टू टेल ऑडियंस कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट यू आर सपोज टू डू ऐसे नहीं करना है हाँ मैं पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि यार ऐसे नहीं करना आपने ये कोई अफेयर अफेयर फेर ना बनाएं इसको हा? इसको लाइटली लें और इस उसी तनाजुर में लें जिस तनाजुर में ये चीज़ हो रही है बिल्कुल लड़की को कॉन्फिडेंस जब तक आप नहीं देंगे आप अपनी बेटी को जब तक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे कि वो जो एक दौर था जिसमें कहते थे कि बेटा हम तुम्हें रुख्सत कर रहे हैं अब तुम्हारा जनाजा ही आएगा भाई भाई खुदा के वास्ते यार कुछ भी हो सकता है आज के दौर में ठीक है कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है सो so, लड़की को थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस देना तो ज़रूरी है कि बेटा हम हैं ना पाल पोस के हमने तुम्हें बीस पच्चीस साल बड़ा किया है सो so ऐसे आप थोड़ी फेंक देते हैं बेटी है हुँ. कोई वो थोड़ी है कि मतलब आपने फेंक दिया उठा के हाँ चलो अब तुम्हारी शादी हो गई जियो मरो पिटो जो मर्जी करना है करो हम कुछ नहीं कह रहे तुम्हें सो so, वो जो घर है वो सब सप... अब जैसे मेरी माँ का जो कैरेक्टर है वो कितना सपोर्टिव है थ्रू आउट मतलब वो उसकी गलतियों को भी साइड पे करती रहती है ठीक है ना वो तो नहीं आ, हैदर के ऊपर वो जूतियाँ लेके चढ़ गई कि तुम महमल को तुमने होटल में उठाया उन्होंने एक और गेम कर दी कि ला के सामने घर में बिठा दिया उन्होंने कहा बेटा सामने रहोगे तो मैं देखती हूँ तुम क्या गलत करोगे पर्चे पे लिखवा भी लिया साइन पर्चे भी पे भी, भी लिखवा लिया कि तुम शादी नहीं करोगे उससे सो जो आप बात कर रहे थे कि अगर वो उसको अपार्टमेंट ले देता तो माँ फिर भी यही करती वो जाती उसको लाके घर में सामने बिठाती कि तुम कहीं और इसको रखोगे तो देर आर थिंग्स जो कि पॉसिबिलिटी है तो मौजूद है ठीक है ना ये हाउ मच ऑफ करंट करंट सुपरसीड करता है उस वाले कर... एक एक ना बड़ी पुरानी बात है वो कहते हैं ना कि वो पहली मोहब्बत इंसान नहीं भूलता चाहे मर्द हो या औरत हो वो एक ये वाली चीज है। हैदर थोड़ा सा है उस तरह का बिकॉज और उसका एक्सपोजर नहीं है यार आ, मतलब वो उस तरह का आदमी नहीं है वो वन वुमेन जो मैन टाइप लोग होते हैं वो वो है अब उसकी शादी हो गई है तो वो कह रहा है कि मैं हंड्रेड परसेंट दूँगा मैं हंड्रेड परसेंट दूंगा मैं, वो अपने आप को भी समझा रहा है कि नहीं मैं तो हंड्रेड परसेंट दूंगा सो so ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है हैदर ने दिल नशीन से शादी का फैसला क्यों किया आपकी नज़र में अच्छी लग गई यार उसको उसको उसकी क्यूटनेस अच्छी लगी वो एक उसकी जो एक और उसके बाद उसने थोड़ा सा वो भी किया है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो मुझसे दस पंद्रह साल छोटी है तो कहीं मैं ग़लत तो नहीं कर रहा हूँ माँ से भी ये बात करता है तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा होती हैं हालांकि हमारे माशरे में अगर आप देखें सो चाहे औरत आपसे बड़ी हो या छोटी हो आ, कोई ऐसा मसला नहीं है आ, ये तो सब चलता ही है so, ज इन हीज इन फोर्टीज बिल्कुल ना मुझे सबसे इसकी जो मेरा जो फेवरेट पार्ट था वो ये था लेकिन जो आप... आपकी जो पार्टनर है ना वो <laughs> दिल के पीछे पड़ी रहती है <laughs> वो बहुत पीछे पड़ी रहती है मैंने

ठीक है तो, like तो नाउ ना। मुझे से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अब वो होते हैं कुछ लोग छोटे so, तो हम वो नहीं करते परसेप्शन बनाने वाली बात है। कुछ लोग मेरे साथ काम कर रहे होते हैं लगता है बड़े हैं। वो हमसे ज्यादा लथार्जिक भी होते हैं तो वो लेकिन पता लगता है कि भाई वो तो आपसे कोई बीस साल छोटा है तो आप यूं होता है क्या अभी भाई तू सताइस साल का आदमी है और तू इतना थका हुआ है तो ये भी होता है कभी कभी तो आपने जो फ्लैश में जो एफर्ट डाली है इवन दो यू हैव टू बिकॉज थे चोटे -चोटे थे छोटे छोटे बट वो जो मुझे इतनी स्ट्राइकिंग चीज लगी यार कि यंग फैसल कुरैशी उसके पीछे क्या एफर्ट थी और क्या लॉजिक थी नहीं हम जब शूट कर रहे थे ना तो एक पॉइंट ऐसा आया कि इन्होंने कहा कि नहीं तुम हल्की फुल्की शेव हल्की करके हम कर लेते हैं तो मैंने मैंने सिराज से कहा मैंने कहा नहीं यार आई वॉन्ट टू डू अ क्लीन शेव बिकॉज एक एक उससे लुक चेंज होती है आप आ, उससे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आता है कुछ नहीं कुछ नहीं और हम ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं कर रहे हम तो दस साल पुरानी बात कर रहे हैं दस साल में इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं ही वॉज इन हिज थर्टीज़ ही वॉज नॉट इन हिज ट्वेंटीज़ अच्छा हाँ सब तो दस साल पुरानी बात है तो उसकी शादी को मैमल की शादी को दस साल हुए हैं तो ऑब्वियसली वो दस साल पुरानी बात हम कर रहे हैं हम तो उससे पहले कहानी लेके भी नहीं गए तो वो दस साल में मैंने कहा यार थोड़ा तो फर्क नजर आना चाहिए ना कि मतलब ऑब्वियसली एक सादा खुशबू इंसान है तो वो सादी सादी शर्टें हैं सादे कपड़े हैं ढीली सी जीन्स पहनी हुई है जॉगर्स पहने हुए हैं आपको नहीं इतना स्टाइलिंग का पता होता सो so, अब जब हैदर हैदर बना तो फिर उसने कहा कि आओ बेटा मैं बताता हूँ अच्छा तो ये दस साल पुराने में खाली शेव का कमाल और कुछ नहीं आपने नहीं कपड़े हैं यार कपड़े और शेव मतलब मैं हेयर स्टाइल है उसने

उन्होंने कहा कि नहीं ये हम नाम चेंज करेंगे बिकॉज uh, हालांकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा था पर उन्होंने कहा कि नहीं यार हम थोड़ा कुछ और इसको करना चाह रहे हैं यू डोंट थिंक फिर बहुत ही एक ही तरफ थॉट प्रोसेस चला आ, जाता है अफेयर 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 अफेर, 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 अफेर वो फिर लोग फंस जाते हैं हमारे यहाँ फतूर है ज़रा एक एक जहनी फ़तूर होते हैं तो वो किसी अब जैसे हमारा जो हमारी जो महमल है उसका एक अपना फितूर है।, है, का है, हैदर का है, आ, का है, है, so, का हम चारों अलग-अलग चीजों में फंसे हैं। अब एक बड़े मोड पे ये कहानी आ गई है। हाँ। हैदर को पता तो चल गया है because he's now met, uh, character. Yes. वो फोन निकाल के उसने तस्वीरें भी देख ली हैं। हाँ। और हैदर इतना uh, मासूम या बेचारा नहीं है कि वो दिल नशीन की बातों में आ जाए ऐसा मुझे लगता है ऑब्वियसली मेच्योर इंसान है अब जो आप कह रहे हैं कि अब तो बस गेम ऑन हो गई है तो कुछ इंडिकेशन दे देंगे ये क्या मतलब किस तरह की गेम ऑन होने वाली है हमजा वाले कैरेक्टर का जो रिटर्न है वो बड़ा अच्छा बैंग है सीरियल के लिए और वो काफी बड़ा बैंग है वो सो जो ट्विस्ट अब शुरू है वो मजे के हैं एंड यू नो ऐसा नहीं है कि वो इज टर्न इन टू अल कैरेक्टर हमजा हाँ ऐसा नहीं होगा कि वो अच्छा। कोई विलन हो जाएगा या मैं विलन हो जाऊं हालात हैं जो किस तरह से घूमते हैं और किस तरह से चीजों को बदलते हैं बट एक चीज कहूंगा आने वाले एपिसोड्स में लोगों को हैदर से और प्यार होने वाला है। हैदर से और प्यार होने वाला है हाँ। तो इसका तो ये मतलब है जो हैदर ने भी बात बोली दिलनशीन को इस बार ही सेड के अब अगर बात मेरा भरोसा टूटा तो फिर तो डूड इज नो लुकिंग बैक उसके बाद तो मैं हर इंसान की एक, एक टिपिंग पॉइंट एक, होता एक है, है। so, अगले सीन में जब वो मिला हमजा से और उसको फिर पूरा पूरा उसको फ्लैश बैक आया उसको ये भी याद आया कि शादी के बाद गाड़ी की टक्कर हुई थी और जो वो निकला था एंड लॉस ह्यूज लॉस

Like चलो मैं अगली किस्त में जाऊक्ट करते दिल ये ये तो गेम है अब यही तो नहीं, अगली किस्त का तो बताए ना नहीं, क्यों बताओ यार नहीं बाकी हफ्ते तो की बात करते नहीं कोई नहीं खैर है यार देखो एक जो हमारे तीन सब्जेक्ट थे उसमें से दो खत्म हो चुके हमारे दो एक्ट खत्म हो चुके हैं ठीक है नाउ दिस इज द लास्ट एक्ट सीरियल सो so, हमने दो एक्ट पे बात की है तीसरे एक्ट पे हम फिर बात करेंगे वो तो फिर कंक्लूजन के बाद ही हाँ। बनती थी बात so, हम तीसरे एक्ट का वेट यहां से अब तीसरे एक्ट शुरू हुआ है so, लॉट uh, uh, जहां तक हम अभी पहुंचे uh, समझे ये जम्प करेगा ऑलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट क्रियोसिटी में और ड्रामे में सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ये ड्रामा जम्प करेगा अच्छा हाँ मतलब और ट्रेंडिंग हाँ, और, मतलब और मैं, मैं तो जब शूट कर रहा था मैंने जंजबील एंड आई कॉल्ड अब्दुल्ला भाई uh, मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता कि हम शुरू में ये लगा दें और उसके बाद फिर हम रिवील करते जाए तो मैं चूंकि बड़ा जज्बाती हो गया मैं अपने परस्पेक्टिव से जो फिल्म पड़ी हुई है तो वो मैं फिल्म ही सोच रहा होता हूँ उन्होंने तो कहा भाई फिल्म नहीं है ड्रामा है इसको लीनियर रहने दो इसको नॉन लीनियर मत करो लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे तो मैंने कहा अच्छा 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 मैंने कहा ठीक है तो वो होता है ना कभी कभी आप जज्बाती हो जाते हैं सो so, मैं कभी uh, मैरी को फ़ोन कर देता हूँ कभी जंजवील को फ़ोन कर देता हूँ कि अच्छा ये यूँ होता तो ये ये वाला यहाँ ले जाते तो इसको यूँ कर तो वो कहते नहीं रिलैक्स रिलैक्स Relax. तो अभी आपके इनपुट से कुछ हुए हैं ऑलरेडी चेंजेस जो हम देख नहीं कुछ वो लिखा हुआ इतना अच्छा है वो तो हम ऐसे ही सेट पे पचास चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं सो so, वो मैं ये बात कह रहा था कि अगर ये पहले है जो लास्ट एक्ट है अगर ये उठा के हम पहले में ले जाते और फिर क्यूरोसिटी बिल्ड और फिर हम क्यूरोसिटी बिल्ड करते तो लोगों ने गोलियां चला देनी थी हम पे <laughs> 24, 25 एपिसोड्स और इसकी फितूर को कि कि इसका वो वाला इशू नहीं फील होता बहुत ड्रैग हो तो, कैरेक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद तीन कैरेक्टर में था सो क्रेडिट गोज टू कॉन्टेंट राइटर एंड द राइटर एंड द डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये लोग बड़ा कमाल जल करवाते हैं सारी चीजों को How many more more. episodes I looking at? I think uh, six अच्छा, हाँ। Just six more. Six seven तो So Thirty one thirty two तक जाएगा मेरे हिसाब से हाँ Moving on to the other discussion now जो मैंने आपके साथ करनी जो मैंने intro में भी खुशबुओं में नहाया हुआ हूँ, इतनी खुशबुए अभी भी मुझे आ रही हैं।

आई वॉज थिंकिंग टू डू समिंग और मैं सोचा था कि क्या करूँ क्या करूँ जंप इन किया कपड़ों में मज़ा नहीं आया मैंने और इजाज़ इजाज़ें शुरू किया था बंद कर दिया फिर प्रोडक्शन की तरफ गया फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है करता हूँ तो एक एक सडन मीटिंग थी आ, मेरी महसम से बहुत बहुत ही अचानक मीटिंग थी और वो बैठ के डिस्कशन शुरू हुआ और वो डिस्कशन जो है कन्वर्ट हुआ कोई लॉन्ग मीटिंग में कि वो बातें चलती गईं चलती गईं चीज़ें निकलती गईं होती गईं होती गईं और एक चीज़ सामने जब आई सो आई एम प्राउड ऑफ़ हिम कि वो एक पाकिस्तानी बॉय uh, uh, जिस तरह से वो क्रिएट करता है चीज़ों को और उसने जब मेरे सामने दो चार चीज़ें ला के रखी तो मैं तो जिस यू नो आई उड़ गया था बिल्कुल मैंने कहा यार ये पॉसिबल है मैसम इज़ अ केमिस्ट तो वो उसको गेम पता है सो so मैं हिल गया मैं मतलब और वो मैं सही बता रहा हूँ आई बैठे मैं जो मिलने गया था हम मिले थे कोई ऐसे ही कोई दस पंद्रह मिनट के लिए किसी और काम से हम बात करने गए थे और वो बात तवील से तवील होती गई वहाँ से घर आ गए घर आके बैठ गए कोई घंटों में बात चली गई चीज़ें निकलना शुरू हो गई और जब अल्लाह ने कोई रास्ता बनाना होता है तो वो फिर ऑटोमेटिकली बनता है चला जाता है सो वो ही गॉन बैक फिर वो वापस आया और उसने आगे मुझे चार चीजें दिखाई कि फैसल भाई ये कुछ मैं करना चाह तो मैंने कहा कर बिस्मिल्लाह करते हैं सो so, अल्लाह का शुक्र है अभी तक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है बट एक साल से यू बिन वर्किंग ऑन दिस ऐसा नहीं है कि ये नहीं, एक, नहीं। एक चीज़ हुई है सो ये जो प्रोसेस था क्रिएट करने का परफ्यूम वट वॉज दैट लाइक कैसा मतलब आपने ये जो ब्रांड व्हाट्स द ब्रांड कॉल्ड इट्स एक्चुअली द दुआ ब्रांड उसके नीचे हम uh, अलग 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 द दुआ ब्रांड इज देयर इन अमेरिका ठीक है ना वो लोग काम कर रहे हैं ओके डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट फ्यू और अल्लाह का शुक्र है लोग बड़ा पसंद करते हैं बट उसके बाद जब वी केम अप विद आइडिया कि नहीं अच्छा हम कुछ एक और लाइन निकालते हैं तो हमने हम इनकाउंटर की तरफ गए फिर इसके बाद एक और लाइन है जो मैं अक्टूबर में इन शह लॉन्च करूँगा वो ज़रा लग्जरी आ, की तरफ हम जा रहे हैं बिकॉज़ आई रियली वांट हसन कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में आ, जब मेरा परफ्यूम सूंघा जाए लोग उसको देखें पसंद करें तो एक एक स्टैंडर्ड नज़र आना चाहिए और जब आप स्टैंडर्ड की तरफ़ जाते हैं जब आप, आप बात कर रहे हैं कि यार यू नो दुनिया में ऐसे ज़बरदस्त परफ्यूम मिलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि उसमें मेरा नाम शामिल हो जाए बिकॉज आई एम अ ग्रेट फैन सो मैं बहुत महंगे महंगे परफ्यूम ख़रीदता था मैं तब की बात बता रहा हूँ जब मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे लेकिन मैं वाकई बहुत महंगे महंगे परफ्यूम ख़रीदता था सो so, इसके बाद मुझे लगता है कि शायद मैं जूतों पे चला जाऊँ शायद मैं बैग्स पे चला जाऊँ शायद मैं चश्मों पे चला जाऊँ जो मेरा शौक़ है वो आई रियली वांट के जो मैं पहनूँ कि जो मैं लगाऊँ वही मैं कोशिश करूँ लोगों तक पहुंचाने की ठीक है ना तो हमें थोड़ा सा जो अपना स्टैंडर्ड है मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनली उसको बहुत अच्छा करूँ नहीं been drenched into your perfumes, your different, different, हमने ट्राई किया मैं अभी तक मतलब जब से इंटरव्यू शुरू हुआ मैं अभी तक यू नो इतने मुझे वो जो आखिरी वाला लगाया नहीं करना

मुझे लगता है कि सिर्फ़ नाम का परफ्यूम होता है हम कंपनी लाना चाह रहे हैं मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि जी कोई मतलब यू you नो know, फैसल कुरैशी परफ्यूम मैं कर दूँ बहुत सारे परफ्यूम्स हैं जो कि एक्टर्स के नाम से पाकिस्तान में भी बन रहे हैं और अभी आगे भी बनेंगे तो अच्छी बात है वो लोग ला रहे हैं कुछ चीज़ों को बट मैं चाहता हूँ मैं कंपनी बनाऊँ यू वॉन्ट द फोकस टू रिमेन ऑन द प्रोडक्ट नॉट ऑन यू हाँ मैं मैं प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ इसलिए मैंने कोई अपना गोल्ड नहीं लगाया ऊपर मैंने कोई सोने का ढक्कन नहीं लगाया मैंने कोई उसके कुछ और चीज़ें नहीं हैं। सिंपल बॉटल है आप इंटरनेशनली जो महंगे ब्रांड हैं जो बड़े ब्रांड हैं मलून है या और इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सिंपल बॉटल होती है लेकिन जो लिक्विड होता है असल चीज़ वो होती है सो आई एम नॉट सेलिंग बॉटल्स आई एम सेलिंग लिक्विड वो जो थॉट है ना कि वो बॉटल बौ यूं होगी और यूं करके खुलेगी और भाई मतलब अंदर क्या है चीज़ यह है कि बड़े बड़े लोग रेस्टोरेंट्स बनाते हैं जब तक खाना अंदर अच्छा नहीं होता ट्रू तो कुछ भी नहीं होता मतलब हमारे बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सिंपल सेटिंग्स हैं वहाँ पर कि बेंचेस लगे हुए हैं सादी सी कुर्सियाँ रखी हुई हैं लेकिन जगह नहीं मिलती घंटों घंटों जगह नहीं मिलती ठीक है ना तो क्या कर रहे हैं अंदर क्या है ये इंपॉर्टेंट है।, तो तो? है अमेरिका में तो इट्स में डॉट कॉम इन पाकिस्तान और अदर प्लेस इनकाउंटर सेंटस डॉट पी के उसके अलावा कुछ स्टोर्स हैं uh, जिन पे अल्लाह uh, का शुक्र है पीपल आर कमिंग जी हमारे पास आप डिस्प्ले कर दें और मैं चाहता हूँ मैंने अभी uh, दो दिन डॉलमेन में डिस्प्ले किया है

<laughs> तो अब वो नया बैच वहाँ बनेगा तो फिर उसके बाद वो होगा और इसका जो परफ्यूम बनाने का प्रोसेस है सारा इज इट लाइक पाकिस्तान बेस्ड या जो सेंट्स हैं और जो जो सारा परफ्यूम है वो उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं इट्स ऑल फ्रेंच अच्छा ओरिजिनल फ्रेंच कंसंट्रेशन इट्स कुछ की तो 40 से भी ऊपर है uh, कुछ की 30 से ऊपर है और एक पूरी आ, जो मेकिंग है वो आ, हमारी मेड इन यूएसए अच्छा हाँ सो सो दिस इज मेड इन मेड इन यूएसए प्रोडक्ट यस इट्स अ मेड इन यूएसए प्रोडक्ट दैट्स दैट्स ग्रेट कि हम आ, उसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं आ, पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को कि बिकॉज़ ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे है तो आपका आ, अच्छा रिस्पांस आया लोगों ने भरपूर तरीके से अगर सपोर्ट किया तो yes, yes, यही है प्रोडक्ट तो हमारा ही है ना आपका प्रोडक्ट है तो हाँ. पाकिस्तान का प्रोडक्ट बट जो उसका प्रोसेसिंग है वो हुई भी है अमेरिका सारी में, में so हुई है इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट अब आप पाकिस्तानी ऑडियंस को पाकिस्तानी कोशिश है मार्केट थोड़ा सा लेके आ रहे हैं लोगों तक नो इट्स रियली गुड ये वाला तो मेरा फेवरेट है ये जब आएगा अक्टूबर में तो आई एम डेफिनेटली गेटिंग दिस वन इट्स रियली गुड मैं आपको बहुत मुबारक हूँ वंस अगेन तो इनकाउंटर सेंस डॉट पी के पे जरूर जाइएगा और जरूर ऑर्डर कीजिएगा ऑर्डर ना भी करें अभी एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा बिकॉज अभी एक लाइन आई है जिसके काफी सारे वेरिएंट्स ऑलरेडी वेरिएंट्स अवेलेबल फाइव फाइव फॉर फॉर हिम अच्छा फाइव फॉर हिम एंड फाइव फॉर हर यस वाओ ग्रेट टेन वेरिएंट्स ऑलरेडी सर ये स्पेशली हमारे पाकिस्तान में हाउ इम्पॉर्टेंट इज इट फॉर एक्टर्स टू यू नो डेबल इन टू अदर बिजनेसेस दुनिया में यही है यार लोग ज़रा बाहर ज़रा बड़े बड़े बिजनेसिस में जाते हैं आ, हमारे यहाँ ज़रा हमें छोटे छोटे बिजनेस करने पड़ते हैं बिकॉज़ एक दफ़ा हर इंसान को ज़िंदगी में मौका मिलता है कुछ ना कुछ करने का तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए चाहे वो प्रोडक्शनज हों चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे और भी बिजनेसिस हों आ, थोड़ा सा लोग प्यार करते हैं तो आपका ये भी यकीन हो जाता है कि अच्छा यार रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाएगा आपको सो उस मोहब्बत के सहारे भी हम कदम बढ़ा लेते हैं कभी कभी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर एक जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हाँ मैं शायद मैंने जितना काम किया है सत्तर अस्सी सीरियल अब तक कर चुका हूँ ये शायद इससे भी थोड़े से ज़्यादा या जितनी मैंने टेलीफिल्म की हैं या जो कुछ किया है अगर इस मुल्क में मुझे रॉयल्टी मिल रही होती तो आज मेरा अपना कम अज़ कम एक एक कोई दो ढाई हज़ार गज़ का घर होता और, और भी साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें करके बैठा होता सुकून से लेकिन हाँ ये मसले हैं पाकिस्तान में एक तो पेमेंट्स का बहुत डिले है Uh, जो कि रहा पिछले दिनों फिर रॉयल्टीज के बहुत इश्यूज हैं तो ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं रॉयल्टीज पे आर आर्टिस्ट आर गेटिंग टुगेदर और एक आवाज बनके वो इसको हाईलाइट भी कर रहे हैं इशू का डू यू सी एनी सलूशन बीइंग इंप्लीमेंटेड नॉट ओनली फॉर द एक्टर्स इट्स फॉर द प्रोड्यूसर इट्स फॉर द डायरेक्टर राइटर एक्टर्स टेक्नीशियंस जिनकी मेहनत शामिल होती है ठीक है ना आप एक एक दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप एक ही दफ़ा ख़रीद लें आपने गाड़ी खरीदी उसके बाद वो गाड़ी आगे आप मुफ्त में देंगे नहीं ना वो गाड़ी आप बेचेंगे आगे वो आगे से आगे बेचेगा वो आगे से आगे बेचेगा सो गाड़ी बिकती रहेगी पैसे आते रहेंगे पैसे कम होते रहेंगे लेकिन सर्टेन अमाउंट तो आपको आती रहेगी सो जो हमारी की हुई मेहनत है वो बिकती रहती है आता कुछ नहीं है तो ये एक छोटी सी बात है कि हमें उसका कोई फायदा नहीं है मतलब ठीक है हमने एक दफा कर दिया हो गया खुदाफिस हो गया बाय बाय हो गया एट इट्स कोर ये इशू है क्या जब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं नाउ आप इतनी इन्फ्लुशियल पोजीशन पे हैं यू आर वन ऑफ द टॉप एक्टर्स इन पाकिस्तान और आपने प्रोडक्शन भी की क्या आप भी अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज नहीं डलवा सकते कि यार कि मुझे रॉयल्टीज मिलेंगी देखिए इसका क्लॉज हमें बनवाना पड़ेगा ये था एक जमाने में एक जमाने में होता था पीटीवी के जमाने में आई रिमेंबर कि मैं एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम करता था मेरा ड्रामा रिपीट होता था तो मुझे उसके पैसे आते अच्छा ठीक है उसके बाद वो क्लॉज हटा दिया गया किस वजह से हटाया गया आई डोंट नो मेरे को सीनियर्स होंगे उन्हें पता होगा जिन्होंने बड़ी फाइट की पर वहीं पे ये भी हुआ कि बहुत सारे एक्टर्स इन हो गए और उन्होंने इन हो के काम शुरू करवा दिया तो उसमें फ़ायदा सबका है एक एक जो देखें एक जो राइटर होता है जो बुक लिखता है जब तक वो बिग बुक बिकती रहती हैं तब तक उसको रॉयल्टीज उसकी आती रहती हैं एक राइट्स तो वो देता ही है लेकिन उसके साथ एक राइट्स उसके पास होते हैं हुँ. तो इसी तरह से डायरेक्टर है एक्टर है क्रिएटिव राइट्स तो आपके हैं प्रोड्यूसर के हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अब अल्लाह करे हम थोड़ा सा अगर कुछ कर गए तो आने वाले लोगों के लिए बहुत फायदा तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स राइटर्स एक्टर्स सारे टेक्नीशियंस ये सब इकट्ठे हो रहे हैं तो देन व्हाट इज स्टॉपिंग देम मैं ये चाहता हूं कि यह इशू हम और ज्यादा हाईलाइट भी करें तो ये टीवी वी चैनल्स की तरफ से ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस है वॉट यू थिंक इज मेरी मेरी उस पर जैसे कुछ चैनल से बात हुई तो अब वो ये कहते हैं कि यार उस तरह से रिटर्न नहीं मतलब जो रिटर्न होना चाहिए तो समहाउ वो लोग भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात कर रहे हैं बिकॉज हमारे आ, हम हमारा जो सबसे बड़ा मसला है आसन हम अपनी चीजों को ना बड़ा नहीं करते हम खुद अपनी चीज़ों को छोटा कर देते हैं ठीक है हम जब तक मैं बार बार ये बात करता हूँ मुझे करनी नहीं चाहिए हम जब तक अब डिजिटल पे नहीं जाएंगे हम जब तक इंटरनेशनल जो पोर्टल्स हैं उन पे नहीं जाएंगे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है अभी पिछले दिनों चैनल्स ने जैसे सर्वाइव किया है जब कोविड की वजह से सारी चीज़ें बंद हुई थी और सबसे बड़ा मसला हमारा जो है हम डिपेंडेंट हैं एड्स uh, के ऊपर हमारे चैनल डिपेंडेंट है एड्स के ऊपर सब्सक्रिप्शन पे है ही नहीं uh. तो जब आप सब्सक्रिप्शन पे नहीं हैं तो ऑब्वियसली आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं जब आप सब्सक्रिप्शन पे होते हैं आपको कोई टेंशन ही नहीं होती वो तो और बोनस होता है चैनल के लिए तो वो चैनल आगे से एक्टर्स को और सपोर्ट कर रहा होता है सो so वो जो पूरी एक लाइन है उसको सेट करने की ज़रूरत है कि सब्सक्रिप्शन हों चैनल्स की प्रॉपर और उसके बाद उस पर अगर एड्स भी आते हैं तो वो एक और बोनस होता है जब चैनल को बोनस मिल रहा होगा तो हम भी जाके सामने खड़े हो सकते हैं ना सीना चौड़ा करके कि भाई आप कमा रहे हो तो हमें भी दो कहेंगे तो हाँ हम दे रहे हैं सो वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो सब्सक्रिप्शन पे ले जाना इस सिस्टम को बहुत ज़रूरी है ये हमारी लास्ट टाइम भी कॉन्वर्सेशन हुई थी अभी ऐसा नहीं लग रहा इन द नियर फ्यूचर की ये ये तो दूर दूर तक नहीं लग रहा हम डिपेंडेंट ही एड्स पर हैं ऐड्स आ गए तो पैसे आ गए एड्स नहीं आए तो नहीं आए और आपने ये भी कहा था कि ऐसा मॉडल पाकिस्तान में ही है ज़्यादातर बाहर के मुल्कों में हाँ इंडिया में और पाकिस्तान में वहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन इतनी नहीं है लेकिन वहाँ चूंकि आबादी इतनी ज़्यादा है हम यहाँ फिल्म बना के चैनल पे देते हैं बहुत हमने तीर मार दिया डेढ़ दो लाख की तीन लाख की पाँच लाख की दे, दे देंगे दस लाख की दे, दे देंगे वहाँ पे फिल्म टीवी पे सत्तर सत्तर करोड़ अस्सी अस्सी करोड़ की बिकती है इंडियन और फिर उनकी मिलती हैं और फिर उनकी मिलती हैं तो आबादी बहुत ज़्यादा सर थैंक यू वेरी मच आप हमेशा टाइम देते हैं और टाइम के साथ साथ समझाते भी हैं चीजों को जो कि मुझे लगता है कि एक बड़ी आ, अच्छी बात है ना सिर्फ <coughs> मेरे पर्सपेक्टिव से बट जो लोग देख रहे होते हैं वो भी काफी एजुकेट होते हैं थैंक यू सो मच थैंक यू हसन थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट थ्रू आउट नहीं नहीं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिग बैंग्स नाउ कि अब ये होगा क्या फाइनल एक्ट में और जो आप कह रहे हैं कि अगली किसके बाद तो मतलब फोन ही मैंने उठा के कर देना तो I'm मुझे really लग रहा है तुम कर दोगे आई रियली लुकिंग फॉर थैंक यू सो मच सर थैंक यू ऑल द बेस्ट विद द परफ्यूम बिजनेस इज वेल थैंक यू एंड ये वाला जब आएगा तो आपका है। मेरा पक्का ना पका ये बस कमिटमेंट हो गया अक्टूबर में इंशाल्लाह डन है थैंक यू